अच्छा जी सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सारी चीजें छोड़ के फोकस अब बोर्ड पे करना है हमने। सर हमने लास्ट क्लास में IAS 21 शुरू करने की कोशिश की थी, ठीक है जी, और हमने बड़ी बेसिक बेसिक जो है वो डिस्कशन की थी। आफ्ताब क्लास के एंड में बात करते हैं। IAS 21 का ऑलमोस्ट सिर्फ 20 से 25% हिस्सा आपके कोर्स का पार्ट है, बाकी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। IAS 21 का तकरीबन कोई 70% हिस्सा कंसोलिडेशन से रिलेटेड है कि जब आपकी एक फॉरेन सब्सिडरी हो, पाकिस्तान से बाहर एग्जिस्ट करती हो, उसको कैसे कंसोलिडेट करना है, उसको IAS 21 के रूल्स मौजूद है, ठीक है। जो आपके पार्ट पे IAS 21 की कैलकुलेशन है वो सिर्फ एक्सचेंज गेन और लॉस से रिलेटेड है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बड़ी बेसिक बात की थी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है, याद आ रहा है सर? वो बड़ी बेसिक बात थी, सही मायनों में सही स्टैंडर्ड अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, मुझे एक चीज ये बताओ सर, मैं आपके सामने एक बड़ी बेसिक बात करने जा रहा हूँ। सर IAS 21 कहता है जी अपनी पूरी बैलेंस शीट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, जो आपके सामने बैलेंस शीट मौजूद होगी ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। मैं ये नहीं कह रहा सारे एसेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ पूरी बैलेंस शीट। पूरी बैलेंस शीट का मतलब एसेट्स भी, लायबिलिटीज भी और इक्विटी भी, सबको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? दो हिस्सों में। एक हमारा है जनाब मॉनेटरी आइटम और एक नॉन मॉनेटरी आइटम, ठीक है जी। मॉनेटरी आइटम वो आइटम होगा जिसकी जिंदगी का अगला स्टेप, अगला फेज कैश होगा, जिसकी जिंदगी का अगला फेज कैश होगा, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल। अगर मैंने किसी को सर गुड्स बेची हैं और उससे पैसे मिल रहे हैं तो रिसीवेबल की जिंदगी का अगला फेज कैश होगा। तो मॉनेटरी आइटम का मतलब वो आइटम बैलेंस शीट का जिसकी अगली, जिसकी जिंदगी का अगला फेज सर, जैसे कि पेबल। सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसी चीजें जो मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन में पूरा होता थी। नंबर 1 क्या चीज सर? वो रिसीवेबल, वो रिसीवेबल जो के सेटल्ड होगा किसमें? टू बी सेटल्ड इन कैश। वो पेबल जो के सेटल्ड होगा किसमें? और तीसरी चीज फॉरेन करेंसी कैश यूनिट्स। ऐसा 3 ही चीजें मॉनेटरी आइटम है, 3 ही चीजें, और दुनिया की कोई चीज मॉनेटरी आइटम नहीं है। अब मेरा सवाल सुनो जो मैं कह रहा हूं, मुझे बताओ मेरी बुक्स में आ रहा है टैक्स पेबल मॉनेटरी आइटम है या नहीं? हाँ ना, टैक्स पे करना है ना बेटा, टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या दोगे टैक्स की, पैसों की जगह क्या दोगे? टैक्स ही दोगे, पैसे ही दोगे ना। तो टैक्स पेबल क्या है? मॉनेटरी आइटम। मैं आपके सामने कहता हूँ जी अकाउंट्स पेबल क्या है जी? मॉनेटरी आइटम। मैं कहता हूँ बोनस पेबल क्या है जी? मॉनेटरी आइटम। एवरीथिंग दैट इज पेबल इन कैश इज मॉनेटरी आइटम। फिर मैं आपसे कहता हूँ जनाब लोन रिसीवेबल मॉनेटरी आइटम, पैसा रिसीव करना है। सर मैंने एक बंदे को पैसे दिए उससे बाद में वापस मिलने, इंटरेस्ट रिसीवेबल मॉनेटरी आइटम। सर अकाउंट रिसीवेबल मॉनेटरी आइटम। ये बात समझ आती है? वो सारे रिसीवेबल जिसके अगेंस्ट आपको क्या मिलना है? कैश मिलना है, वो क्या? मॉनेटरी आइटम। सर वो सारे पेबल जिसके अगेंस्ट आपने कैश पे करना है वो क्या चीज? मॉनेटरी आइटम। ऐसा सर मेरे पास डॉलर्स पड़े हुए क्या चीज? डॉलर्स पड़े हुए मेरे पास क्या चीज? मॉनेटरी आइटम। मेरे पास सर GBP पड़े हुए, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पड़े हुए क्या चीज सर? मॉनेटरी आइटम। सर मेरे पास यूरोस पड़े हुए क्या चीज? सऊदी रियाल्स पड़े हुए। तो मॉनेटरी आइटम कितनी चीजें? 3 ही चीजें। सारे रिसीवेबल जो कि किसमें सेटल होने, सारे पेबल जो कि किसमें सेटल होने, ये तुम्हें रात 2 बजे भी कोई झंझोड़े ना और तुमसे कहे बताओ मॉनेटरी आइटम क्या है, तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? वो सारे रिसीवेबल जो कैश पर सेटल होंगे, वो सारे पेबल जो कैश पर सेटल होंगे और फॉरेन करेंसी कैश यूनिट्स। ऐसा अच्छा जी, अब मेरा एक सवाल है सर, गौर से और तसल्ली से उसको सुनना और जवाब देना है। मुझे एक चीज ये बताओ, मैंने मिसाल के तौर पर राफे को कुछ एडवांस दिया। राफे से मैंने कहा यार मुझे ना आला नस्ल की जो है ना वो भंग चाहिए, भंग के पत्ते चाहिए।
राफेल ने कहा यार वो तो मतलब खरीद थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एडवांस दे दे, आप पहले भी बुक करा के चले जाते हैं, फिर आप जब आ जाते हैं आप खरीदते नहीं, फिर हमें पीने पड़ते हैं। तो आप एक काम करें, बुकिंग करा लें। मैंने बुकिंग करा ली सर, अब मैंने उसको पैसे दिए, जब मैंने उसको पैसे दिए एंट्री का पास किया, एडवांस टू सप्लायर डेबिट से 10,000 रुपये और कैश क्रेडिट कितने से, ये जो मैंने एडवांस टू सप्लायर डेबिट किया है ये टेक्निकली मेरा पैसा है जो इस वक्त किसके पास पड़ा है, सप्लायर के पास पड़ा है, ऐसा तो टेक्निकली एक रिसीवेबल टाइप की चीज है, ये मॉनिटरी आइटम है नहीं, क्यों? वेरी गुड सर, ये कैश में सेटल, ये भंग में सेटल होगा, ऐसा ये रिसीवेबल ये मेरी बुक्स में से जाएगा, ये एसेट की जगह क्या आ जाएगा, भंग आ जाएगा, ऐसा। अच्छा, किसी की एंट्री पास की होगी किसने, सप्लायर ने, उसने क्या एंट्री पास की होगी, कैश डेबिट और अनर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट, ऐसा हमें बचपन में पढ़ाया जाता है, अनर्न्ड एक लायबिलिटी है, अनर्न्ड एक लायबिलिटी है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अनर्न्ड वो अमाउंट है जो रिसीव किए लेकिन उसके अगेंस्ट अभी तक गुड्स लायबिलिटी है, क्या ये मॉनिटरी आइटम, नहीं सर, क्योंकि इसके बदले इसके अगेंस्ट हमने कैश पे नहीं करना, या सप्लायर ने कैश नहीं देना बल्कि सामान देना, भंग देना, ये किस पे सेटल होगा, इन नहीं, ये सेटल किस पे होगा, खत्म कैसे होगा सर, भंग देगा ना ये बंदा सर, कैश तो नहीं देगा ना सामने वाली पार्टी को, अगर इसकी जगह हमने लोन लिया तो हम कहते कैश डेबिट और लोन पेबल क्रेडिट, तो लोन किससे सेटल होता, तो बताओ सर एडवांसेस मॉनिटरी आइटम होते हैं, नहीं, अनअर्न रेवेन्यू मॉनिटरी आइटम है, नहीं, ये बात समझ आई, मॉनिटरी आइटम तीन ही, कौन कौन से, रिसीवेबल जो कि कैश में सेटल होगा, पेबल जो कि कैश में सेटल होगा, और फॉरेन करेंसी यूनिट्स, ऐसा है। चलो जी सर, इसके अलावा बैलेंस शीट पे मौजूद हर आइटम, बैलेंस शीट पर मौजूद हर आइटम क्या है, नॉन मॉनिटरी, ये क्लासिफिकेशन किसने बताई, IAS 21 ने, क्यों क्यों, एक आता है वो कहता है सारे एसेट्स या तो करंट है या नॉन करंट है, दूसरा आता है वो कहता है जी टेंजिबल इनटेंजिबल है, तीसरा आता है कहता है इन्वेंट्री और एक पीपी है, हर बंदा आके एसेट के कीमे बनाए जा रहा है, बोटियां बनाए जा रहे हैं, कहता है किसने 200 में डिवाइड कर दिया, कुछ मॉनिटरी क्यों, IAS 21 में मॉनिटरी आइटम्स की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग है और नॉन मॉनिटरी आइटम्स की अकाउंटिंग नहीं है, अनलेस के कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जहां नॉन मॉनिटरी आइटम्स की अकाउंटिंग है, ठीक है, अकाउंटिंग किसकी दी हुई है स्टैंडर्ड में, सर मॉनिटरी आइटम की, यानी IAS 21 कह रहे बैलेंस शीट उठाओ उसमें से मॉनिटरी आइटम निकालो, भाई ये ही तुम्हारा IAS 21 का फोकस होगा, बाकी चीजें IAS 21 में फोकस नहीं होगी, अनलेस के कुछ सर्कमस्टांसेस अराइज होंगे जहां IAS 21 फिर नॉन मॉनिटरी आइटम्स को भी फोकस करेगा, लेकिन मेन फोकस किसके ऊपर है, मॉनिटरी आइटम के ऊपर, पूरा फोकस IAS 21 के किसके ऊपर है, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी हमारे एम्बिट में नहीं आते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो नॉन मॉनिटरी आइटम हमारे एम्बिट में आएंगे, वो हमने आगे जाके, पक्का सर ये कॉपी कर लें, हाँ तो अच्छा 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 सर, वो एक बच्चा कह रहा है पेनल्टी पेबल जी, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी क्योंकि पेनल्टी के अगेंस्ट हमें कैश देना होता है, इंसान वो है जो सोचता है, जो खाता पीता है, एक बंदा कह रहा मर भी तो सकता है, मर सकता है लेकिन उससे उसका इंसान होना खत्म तो नहीं हो जाएगा, ठीक, कैश में बेचता तो नहीं, इन्वेंट्री इन्वेंट कुछ भी कर ले यार, इन्वेंट्री डेफिनेशन आगे जब हम जाते हैं प्रॉपर पड़ेगा ना, वो कहता है मॉनिटरी आइटम का मतलब वो आइटम जो फिक्स्ड एंड डिटरमिनेबल नंबर ऑफ करेंसी यूनिट्स का, आगे हमने उसकी डेफिनेशन को मजीद को देखना है कि फिक्स्ड एंड डिटरमिनेबल नंबर का मतलब क्या है, स्टेबल है, इट्स अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है ना, इन्वेंट्री जरूरी नहीं, क्लेम नहीं हमारा, आगे बिकी तो बिकी, पैसे मिले तो मिले, नहीं मिले तो मिले, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है स्टैंडर्ड कहता है कि इन्वेंट्री जो बिकती है वो आमतौर पर रिसीवेबल में कन्वर्ट होती है, फिर जाकर कैश, ठीक है, लेकिन जो मेन डेफिनेशन का फ्लॉ है वो किसके ऊपर है ना, वो कहता है फिक्स एंड डिटरमिनेबल करेंसी, ठीक है,
फॉरेन करेंसी यूनिट्स मींस करेंसी, बिल्कुल हाँ दानियाल यही है, सिर्फ यही है, फिलबत यही है। आपको मैसेज किया था, आपने जवाब नहीं दिया। जमीन बेगम भी बोलती है अभी, इसको बाद में। बता रहा हूँ, बड़े आगे बढ़ जा। अच्छा आपके सामने एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन रखता हूँ, ठीक है। बोर्ड पे देखना प्यारे बच्चों, एक इलस्ट्रेशन सामने रख रहा हूं और फिर इसी के थ्रू कॉन्सेप्ट्स आपको दे रहा हूं, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सर बता रहा हूं, ना बता रहा हूं, ठीक है। ये कह रहे जी फोकस पूरा बोर्ड पे, सब चीजें छोड़, सब चीजें छोड़, सब चीजें छोड़, आज इसके कॉन्सेप्ट्स इतने कवर कर लेंगे हम कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में 80% इनपुट तुम्हारी तरफ से आएगा कि जी हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक ऐसे होना चाहिए, 20% चीजें मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं सर, सुलेमान लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम अ यूएस सप्लायर ऑन 1st January 2018, हमने 1 January 2018 को गुड्स परचेज कर ली। यस सर, ठीक है जी। सर कितने? सर ये 25,000 US डॉलर, ठीक है, 25,000 US डॉलर। कितने की खरीदी? 25,000 US डॉलर, डन। पेमेंट विल बी मेड ऑन 1st August 2018, कब? 1 अगस्त को सर। द कंपनी इज ईयर एंड इज 30th June, ऐसा। मुझे एक बात बताएं, हमने गुड्स खरीदी है कब? कब? 1 जनवरी को। पैसे कब देने? अगस्त में, ऐसा। दो डेट्स हैं सर यहाँ पे। 1 जनवरी जिस दिन हमने गुड्स खरीदी ना, आइंदा के बाद मैं उसको नाम दिया करूंगा ट्रेड डेट। क्या दिया करूंगा नाम? ट्रेड डेट, ऐसा। जिस दिन आपने ट्रेड की, ऐसा। पैसे किस दिन दे रहे हो? 1 अगस्त को। इसको मैं नाम दूंगा मेरे बच्चों सेटलमेंट डेट। क्या नाम दूंगा? जिस दिन हमने अपने डेट्स को सेटल कर दिया, अपने अपने पैसे को, पेबल को क्या कर दिया? सेटल कर दिया। सुनो, एक है ट्रेड डेट। ये ट्रेड डेट कब आ रही है सर? 1 जनवरी 2018। एक मेरे पास आ रही है मेरे बच्चों, कौन सी डेट? सेटलमेंट डेट। ये कब है? 1st of August। ये मेरे पास प्यारे भाई ट्रेड डेट, ये सेटलमेंट डेट। इन दोनों के बीच में फॉल कर रही है 30 जून की डेट, जो कि क्या है? ये रहा, ऐसा है, ऐसा है। ये तीनों डेट्स आपको सवाल में पता होनी चाहिए। फॉरेन करेंसी के सवाल में हमेशा एक ट्रेड डेट होगी, हमेशा एक सेटलमेंट डेट होगी। कभी कभी एग्जामिनर गुस्से में होगा तो इन दोनों डेट्स के बीच में क्या डाल देगा? ईयर एंड डाल देगा, ऐसा। अब बताओ सर, मैं अपने पास पहले दिन ट्रेड डेट पे, जिस दिन मुझे सर 25,000 डॉलर की चीज मिली, प्यारे बच्चों 25,000 डॉलर की एक चीज खरीदी मैंने, इन्वेंट्री खरीदी, क्या एंट्री पास करूंगा? 25,000 डॉलर है। एक डॉलर कितने का है सर उस दिन? एक डॉलर कितने का है? 200 रुपए का। एक डॉलर कितने का है सर? मुझे कितने पैसे पे करने? 25,000 × 200, तो मैं एंट्री पास करूंगा 1 जनवरी 2018 को। क्या एंट्री पास करूंगा? इन्वेंट्री डेबिट कितने से? सर मेरे पास 25,000 US डॉलर मल्टीप्लाई बाय 200 रुपए पर डॉलर, ऐसा। कितने? 5 मिलियन। 5 मिलियन रुपए से इन्वेंट्री डेबिट, 5 मिलियन से इन्वेंट्री डेबिट और 5 मिलियन से पेबल क्रेडिट। 25,000 × 200। इस एंट्री को बेटा आंखें फाड़ के देखो और बताओ, इस एंट्री के अंदर दो चीजें हमारी बैलेंस शीट पे जन्म ले रही हैं, दो चीजें हमारी बैलेंस शीट पे जन्म ले रही हैं, एक इन्वेंट्री और दूसरी पेबल। इन्वेंट्री मॉनिटरी आइटम है ना? नहीं, इन्वेंट्री मॉनिटरी आइटम नहीं है। फिर पेबल मॉनिटरी आइटम है? हाँ सर, पेबल मॉनिटरी आइटम है, पेबल मॉनिटरी आइटम है। स्टैंडर्ड कह रहा है सेंट्री को पास करने के बाद अपने आप से पूछो कि मॉनिटरी कौन सा इसमें, नॉन मॉनिटरी कौन सा। हमने कहा जी मॉनिटरी इसमें पेबल है, नॉन मॉनिटरी क्या है?
उसने कहा इन्वेंटरी को लानत भेज के इग्नोर करो और पेबल को साथ लेके चलो। स्टैंडर्ड कहता है जितने भी मॉनेटरी आइटम्स हैं, जितने भी मॉनेटरी आइटम्स हैं अगर वो फॉरेन करेंसी में है, इसमें जितने भी मॉनेटरी आइटम है अगर वो फॉरेन करेंसी में है, आप उनको हर रिपोर्टिंग डेट पर, किस पे, हर किसको, तमाम मॉनेटरी आइटम जो कि किसमें है, फॉरेन करेंसी में, उनको हर रिपोर्टिंग डेट पे फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर करोगे। क्या करोगे? रीमेजर करोगे। किसको रीमेजर करोगे? तमाम मॉनेटरी आइटम जो कि किसमें, फॉरेन करेंसी में, उनको कब रीमेजर करना है? हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। नॉन मॉनेटरी का क्या करना है? स्टैंडर्ड कहता है नॉन मॉनेटरी का हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, गलत करो, नॉन मॉनेटरी को देखो ही। अच्छा अब एक बात बताओ सर, हम पहुंचे खरामा खरामा ऐसा ऐसा किस तारीख को, 30 जून को, ऐसा अब हमारी हालत खराब है, या अल्लाह खैर, क्यों $25,000 देने में हालत क्यों खराब है? हैं? देखो डॉलर हम पता कैसे पे करेंगे सर, हम डॉलर ऐसे पे करेंगे कि हम डॉलर जाके किसी डीलर से खरीदेंगे, किस दिन, जिस दिन पेमेंट करना होगा, खरीद के, ठीक है जी, एक लिफाफे में डाल के हम सप्लायर को हैंड ओवर करेंगे, ऐसा। तो मुझे लग रहा है कि डॉलर के रेट कहीं बढ़ ना जाए, ऐसा, अगर बढ़ गए तो क्या होगा, हमें डॉलर महंगा मिलेगा। सर हम जब पहुंचे ना 30 जून पे तो पता चला जी कि डॉलर कितने का हो चुका है, 205 रुपए का हो चुका है। मैं खुश हो जाऊं या उदास हो जाऊं? उदास हो जाए सर, क्योंकि आपको जो पेमेंट करनी है डॉलर्स में, डॉलर 200 की जगह कितने का हो गया है, 205 रुपए का हो गया सर। अब बताओ सर, मैं अपने पेएबल को $25,000 को जो कि मैंने 200 रुपए पे रिकॉर्ड किया है ईयर एंड के ऊपर, उसको किस पे लेकर आ रहा हूं, तो मैं अपने पेएबल को बढ़ा रहा हूं, पेएबल डेबिट कितने से, 25,000 इंटू कितने ना, 205 माइनस 5 मिलियन, कितना, 1,25,000, पक्का पेबल बढ़ना फायदा है कंपनी का ना, माशाल्लाह पेबल बढ़ गया हमारे, नहीं सर पेबल बढ़ना नुकसान है, पेबल बढ़ने का मतलब है कंपनी को अब मजीद कैश पे करना है, तो सर ये हमारा लॉस है, गेन है, लॉस है, तो हम क्या कर रहे हैं सर, एक्सचेंज लॉस कितने का जी, 1,25,000। अब बताओ इन्वेंटरी को किस पे रखें, इन्वेंटरी अपनी कॉस्ट पे खड़ी रहेगी, क्योंकि इन्वेंटरी क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम है, बस इन्वेंटरी की ट्रांजेक्शन लॉक हो गई खत्म, उसमें आपको वैल्यू में इजाफा करने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों नहीं करें कि ये 1,25,000 रुपए का लॉस उठा के इन्वेंटरी में डाल दें, सर ये गलत हो जाएगा। इन्वेंटरी में सिर्फ वो खर्चे आने चाहिए जो इन्वेंटरी को खरीदने के लिए जरूरी थे, ये जरूरी खर्चा नहीं था, यह अवॉइड हो सकता था। कैसे अवॉइड हो सकता था सर, आप डे वन पे पैसे दे देते कहानी खत्म, या डॉलर लेके रख लेते कोई टेंशन नहीं होता। ये जो लॉस आया ये आपके अपनी नेग्लिजेंस की वजह से आया है, अपनी टर्म्स की वजह से आया है, अपने बिजनेस करने के तरीके की वजह से आया है, तो ये लॉस आपका कहां जाएगा, एक्सचेंज लॉस एक्सचेंज गेन कहां जाता है, वेरी गुड सर, पीएनएल में जाता है, कहां जाता है, पीएनएल में जाता है, कहां जाता है, तमाम मॉनेटरी आइटम, कौन से आइटम, मॉनेटरी आइटम जो किसमें कैरी होते हैं, फॉरेन करेंसी में, उनको हर रिपोर्टिंग डेट पे हम क्या करते हैं, रीमेजर करते हैं, उससे जो गेन और लॉस आता है वो कहां जाता है, पीएनएल में जाता है, ऐसा। सर हम 31 तारीख के बाद पेबल, अच्छा पेबल हम ईयर एंड के ऊपर रिपोर्ट करेंगे किसके ऊपर, हमारा, हमारी बैलेंस शीट अगर मैं 30 जून को बनाऊं तो बता हमारी बैलेंस शीट में क्या आ रहा होगा, करंट एसेट्स आ रहे होंगे, क्या आ रहा होगा, इन्वेंट्री आ रही होगी कितने की, 5 मिलियन, पेबल आ रहा होगा कितना, करंट लाइबिलिटीज में पेबल आ रहा होगा कितना, 51,25,000, ऐसा। ये दोनों बराबर क्यों नहीं है सर, क्योंकि हमें लॉस हुआ है सर, ऐसा। अच्छा जी 25,000 इनटू 5 भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करना, आगे जाके रीजन बताऊंगा, ठीक है, उल्टा कोर्ट भी आएगा आगे, बहुत सारे ऐसी चीजें आने वाली है, जो करा रहा हूँ वैसे ही करते जाओ, ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर दूं, अभी मैं तुम्हें एक तरीका सिखाऊं बेटा, ये जो फिगर निकाली है ना 1,25,000, ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि डॉलर 5 रुपए महंगा हो गया, तो आप एक काम करो 25,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो। क्या मैंने ऐसा किया? नहीं, मैंने क्या किया, लायबिलिटी की नई वैल्यू निकाली, उसमें से पुरानी वैल्यू माइनस कर दी, इसी तरह निकालना। अभी थोड़े टाइम में आपको ऐसे फॉरेन करेंसी के रेट्स मिलेंगे जहां आप डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई
नहीं कर सके। तो लाइबिलिटी की हमेशा आप नई वैल्यू निकालोगे और उसको क्या करोगे, पुरानी वैल्यू से कंपेयर करके गेन और लॉस बुक किया करोगे। पक्का? अब मेरे बच्चों मुझे बताओ कौन सी तारीख आई, 1 अगस्त आ गई। 1 अगस्त को हम क्या करें, पैसा पे करें? अच्छा, कैश पे करने जा रहे हैं हम सर। अब डॉलर खरीदेंगे हम, खरीद के किसको देंगे, सप्लायर को देंगे। अब जब मैं डॉलर खरीदने जा रहा हूँ, डॉलर कितने का नजर आ रहा है, 218 का। हम क्या सोच रहे थे ईयर एंड पे कितने का चल रहा है, 205 का। आप कितने पे चला गया, उसका मतलब है सर ठीक ठाक लॉस हो गया। क्या करें, कैश पे करें? कैश कितना, 25,000 इंटू 218 कितना, 5। पक्का? और फिर सर मेरे पास पेबल खत्म कर दो, पेबल बैलेंस शीट पे देखो कितना आ रहा है, ऐसे करके देखो कितना, 5,125,000। और एक्सचेंज लॉस कितना, 3,00,000। ये एक्सचेंज गेन और लॉस कहां जाना चाहिए, पीएनएल में। ऐसा सर आपने इन्वेंटरी को क्यों नहीं छेड़ा, इन्वेंटरी नॉन मॉनेटरी आइटम है, इन्वेंटरी को नहीं छेड़ना। इन्वेंटरी की जगह पीपी होता तो उसको भी नहीं छेड़ते, क्यों नॉन मॉन। सर अगर पीपी की जगह कोई सॉफ्टवेयर होता, इंटेंजिबल होता तो, सर अगर उसकी जगह कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती तो अभी नहीं छेड़ते हम। ऐसा है, याद रखना सर, नॉन मॉनेटरी आइटम को आपने नहीं छेड़ा, छेड़ना तो किसको छेड़ना, मॉनेटरी आइटम को कब कब छेड़ना है सर, ईयर एंड के ऊपर छेड़ना है। किसके लिए छेड़ना है, फॉरेन करेंसी की रीमेजरमेंट के लिए। पक्का सर, इसको पकड़ो। कम हो गया ना, 1,25,000 का एक जगह लॉस हुआ, 3,25,000 का एक जगह लॉस हुआ, इवन बेचने से पहले लॉस हो गया। हाँ, बैलेंस शीट के बदले तीनों में, एक साल में 1,25,000 का लॉस आएगा, अगले साल भी 1,25,000 का लॉस आएगा। ठीक है, चले जी, इसको कॉपी करना तो कर ले सर, शाबाश। अगला सवाल आपने खुद करना है, एक सवाल खुद कराया करूंगा आसान वाला, और मुश्किल वाला आपको दिया करूंगा। एक ट्रेड डेट था, दूसरा ये टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड्स की है, नहीं ये मैंने अपने घर पे रात को बनाई है, ये स्टैंडर्ड की है भाई, फारिक था मैंने ये दो बना दी। एक ट्रेड डेट नाम दे दिया एक को, हैं? ओसीआई में गेन आएगा आगे, रुक जाओ। दूसरा सेटलमेंट डेट है, थैंक यू वेरी मच भाई। ऑब्वियसली बेटा हम ना, बिल्कुल 3,25,000 आएगा, बिल्कुल। F2 आसान है, F2 कौन सा सब्जेक्ट है? अच्छा, FAR2। मैंने आपको बोला था FAR2 बुनियाद है CFI, बस इतना याद रखना। कुछ करीब के दर्द हैं, कुछ आगे जाके, आपकी मर्जी कि करीब के दर्द गुजार के आखिरी में सुकून ले लो, या करीब में आसान आसान चीजें करिए, खाली पास पेपर करके जाओ। आप तमाम लोगों को मैं ग्रुप के ऊपर ना ACC की बुक आपको फॉरवर्ड करूंगा, ताकि अगर आपको थ्योरी पढ़नी हो इस चीज की तो आपके सामने वो चीजें लिखी हुई हो, ठीक है? और मैं आपको थ्योरी की समरी हैंडआउट्स भी दे दिया करूंगा, ताकि आपके पास ना हो। अच्छा, फंक्शनल करेंसी क्या है, प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है, ये हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, ठीक है जी? बड़े हम आगे दोस्त,
पढ़ जाए मेरे बच्चों आगे। हाँ इसी तरह आपका इस चैप्टर में सारी जनरल एंट्रीज है नहीं, इस चैप्टर में आगे बहुत डिटेल में चीजें आ रही है, शुरू में जनरल एंट्रीज है। भाई मेरी वीडियो आ रही है, क्लास की बात करो। स्क्रीन बंद करें आ जाए इस चैप्टर में थ्योरी भी है। हाँ थ्योरी बेटा हर चैप्टर में है, ये याद रखना। जितने एमसीक्यूज आएंगे मेजॉरिटी थ्योरी से है, ठीक है। तो पूरी जो स्टडी टेक्स्ट है मैं क्लास में हम लोगों को पढ़ाऊंगा चीजें और अंडरलाइन करा दूंगा क्या रिसोर्ट करना है। नहीं ये जो करेंसी के रेट्स आ रहे हैं उसमें ब्रोकरेज कॉस्ट शामिल होती है। चलो जी बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। नहीं पढ़ें चलो जी। ये ऐसी चीजें जो हमने डिस्कस तो कर लिया है लेकिन इसमें थोड़ा यूनिक चीज ये होगी कि हमने गुड्स बेचनी है सारी। अच्छा एक बात बताओ, एक बच्चे ने भी एक सवाल पूछा फाइनेंशियल एसेट और मॉनेटरी आइटम में क्या फर्क। चलो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं तुम्हें। मुझे एक चीज ये बताओ, मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदी, शेयर है मेरे पास, फाइनेंशियल एसेट है। हाँ है सर, ये कंपनी का मैंने शेयर खरीद लिया, मैंने फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन वो मॉनेटरी आइटम नहीं है क्योंकि शेयर खरीदने के बाद आप कंपनी से पैसे क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, ठीक है जी। वो मॉनेटरी आइटम नहीं है, ऐसा है या नहीं है। अच्छा जी गौर से सुनना, हमारा एक एम्प्लॉय है, हम एक कचरा उठाने वाली कंपनी है, ठीक है जी। ये हकीकत नहीं बात कर रहा हूँ, इस टाइम में मैंने तुम लोग उठाया हुआ था देख लिया, ठीक है। तो सर हम कचरा उठाने वाली कंपनी है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। हमारा बंदा जाता है सर डिफरेंट इलाकों से कचरा उठाता और जाके एक जगह है जहाँ गवर्नमेंट ने हमें बताया हुआ कि जी यहाँ कचरा आप डंप कर दें वहाँ डंप कर, ठीक है। के इलेक्ट्रिक बंदा बता रहा है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर क्या नाम है दोस्त हमारा, दाऊद भाई हमारे जो है वो ड्राइवर है, ठीक है। उन्होंने एक जगह से कचरा उठाया और ट्रक में कचरा लेके जा रहे थे, लैंडी पे ट्रक उलट गया, ठीक है जी। सर्दी थी, नजर नहीं आ रहा था, धुंध थी, तो ट्रक उन्होंने जो है वो टल्टी कर दिया, ठीक है। अब ट्रक का कचरा लोगों के घरों में चला गया, ठीक है जी। और तो सुनना है इंसान के बच्चे। अब उन लोगों ने जो है वो कंपनी को कॉल की और कंपनी को कहा यार ये क्या गंद है भाई। तो कंपनी को कहा भाई इसकी सफाई कराओ। हमने अपने लॉयर से पूछा क्या हम सप्लाई इसकी सफाई करवाने के लिए लायबल हैं। तो लॉयर ने कहा नहीं, ना ऐसा कोई कानून है, ना कोई कानून आपको पकड़ सकता है। उलट गया तो उलट गया। अब गौर तो सुनना, अब हम गए पब्लिक में, हमने कहा नहीं पब्लिक इमेज खराब हो रही है। हमने कहा भाई जिस जिसके घर में कचरा गया है हम हमारी कंपनी उसको साफ करवाएगी। ये हमने टीवी पे अखबारों में जाके मुंह के फायर मार दिए
अब जब आपने मुंह के फायर मार दिया ना, तो अब सामने वाली पार्टी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आप ये सफाई करवाओगे, ऐसा तो स्टैंडर्ड कहता है। अब आप अपने पास एक लायबिलिटी बुक कर लो कि आपको सफाई करवानी है, ये ऑब्लिगेशन कहलाती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कौन सी ऑब्लिगेशन, कौन सी लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। क्या मेरा और उन घर वालों का जिनके घरों में कचरा गया कोई अग्रीमेंट है? नहीं, लेकिन मेरी बुक्स में एक लायबिलिटी आ गई जो मैंने क्या करनी है, पे करनी है, सफाई करवानी है मैंने। क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये मॉनिटरी आइटम जरूर है। क्यों? पेबल इन कैश, ऐसा। तो ये याद रखना, दोनों डेफिनेशंस में फर्क है। फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। और सर ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, अगर आपकी बुक्स में एक लायबिलिटी है और आपने पे करनी है तो मॉनिटरी आइटम है, ऐसा। कंपनी का डिविडेंड देना जरूरी है? नहीं, कंपनी की मर्जी है डिविडेंड दे ना दे, ऐसा। प्रॉफिट हो तब भी ना दे, कंपनी की मर्जी। डिविडेंड की लायबिलिटी बुक करते हैं डिविडेंड पेबल। कैश फ्लो पड़ा है मनुष्यों, कैश फ्लो पड़ा है एफआर वन में, डिविडेंड पेबल आता रहा। तो डिविडेंड पेबल क्यों आता रहा जबकि डिविडेंड पे करना लाजमी नहीं है? सर जब डायरेक्टर आके एजीएम में मुंह का फायर मारता है कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो क्या बन जाती है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। जब वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनती है तो पे करना अब लाजमी बन गया है। क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है? नहीं। क्यों? शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं कि हम आपको हर साल इतना पैसा देंगे, नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या है? मॉनिटरी आइटम है। क्यों? तो दोनों डेफिनेशन अलग अलग है। क्लियर है? हम बड़े आगे एक्सेप्ट। अच्छा जी, बिजनेस लॉ पुराना हो गया, ये बिजनेस लॉ नहीं है। अभी थोड़ी देर में आप लोगों ने आगे जाके एक चीज पढ़नी है IS 1037, और ये अभी आप लोगों ने आकाश के साथ जो अभी IFRS 9 जिन बच्चों ने शुरू किया जो उसके बैच में, वो आगे आगे पढ़ेंगे कि सारे फाइनेंशियल एसेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, वो क्या है? मॉनिटरी आइटम है। टैक्स पे करते हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपका अग्रीमेंट है कि आप जो है वो टैक्स पे करोगे, नहीं, ये हमारी ड्यूटी है। तो टैक्स पेबल भी एक मॉनिटरी आइटम है, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी। सर सवाल देखो, कोई भाई नहीं है कि एग्जाम में एक सवाल आ जाए आपके सामने, वो तीन लायबिलिटीज रख दे और पूछे कि भाई बताओ इसमें से फाइनेंशियल लायबिलिटी कौन कौन सी, या तीन लायबिलिटीज आपके सामने रख दे और उसमें कहे कि इसमें मॉनिटरी आइटम्स कौन कौन से, तो देख लेना उसको, ठीक है। शेयर को डिस्पोज करके कैश रिसीव करते हैं तो वो मॉनिटरी आइटम हो गया, इस तरह हमारे छूटे भी मॉनिटरी आइटम है, उसको भी बेच के कैश ले सकता हूँ। नहीं, मैंने भी आपको कहा कि सर फिक्स्ड एंड डिटरमिनेबल नंबर ऑफ करेंसी यूनिट्स, आगे जाके हम इसको डिटेल में देखेंगे कि फिक्स और डिटरमिनेबल नंबर ऑफ करेंसी यूनिट्स का मतलब क्या है, ठीक है जी। सिर्फ तीन चीजें मॉनिटरी में दिमाग में रखना, ठीक है जी। सर मेरे सामने एक सवाल है, शाकिर लिमिटेड ओन्स इन्वेंट्री वर्थ 2 मिलियन, उसके आगे लिखा है रुपीज, क्या लिखा है? रुपीज, कितने मिलियन? 2 मिलियन। द कंपनी सोल्ड इन्वेंट्री टू अ यूएस कस्टमर फॉर $1200, ये डूनियर टू है, ठीक है। $1200 की हमने इन्वेंट्री बेच दी, इसकी कॉस्ट कितनी है? 2 मिलियन कॉस्ट कितनी है? बेचा कितने में हमने? $1200 में। कब बेचा? सर हमने 28 नवंबर को बेचा है। द कंपनी इज ड्यू टू रिसीव द अमाउंट ऑन 28 फेब, 28 नवंबर को बेचा, पैसे कब मिलने? 28 नवंबर कौन सी डेट? 28 नवंबर कौन सी डेट? ट्रेड डेट। 28 फेब कौन सी डेट? सेटलमेंट डेट। सर ये कह रहे हैं इस कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है, ऐसा। आप बताओ सर मेरे पास 28 नवंबर ट्रेड डेट हो गई, 28 फेब मेरे पास सेटलमेंट डेट हो गई, इन दोनों के बीच में कौन सी डेट आ गई? ईयर एंड आ गया। नीचे सर आपको डाटा दिया है, मुझे बताओ इधर कोई मॉनिटरी आइटम अराइज हो रहा है? कौन सा? अकाउंट रिसीवेबल। मुझे जर्नल एंट्रीज पास कर दो, इशारा।
तीन चार दिन और। कह रहे सर ये मुफ्त की क्लासें कब तक होंगी? सारी सारी इन्वेंट्री दी 2 लाख, ये 1200, इसको 12,000 कर दो भाई। आई श्योर 1200? अच्छा सही, 2 लाख नहीं हो दो, ये 12,000 कर दो है? क्या चुनिए सवाल सही। आप लोगों ने गुड्स परचेज करने की भी एंट्री डाली होगी ना? नहीं लानते हो, डालना ही नहीं है। वो कह रहे ओन ऑलरेडी हमारे पास है, खरीदा हुआ है। चलो खैर खैर खैर, भाई यार शाजिल यार उर्दू जुबान बोला कर यार, क्लास भी पंजाबी में ले रहा होता है, क्या करा 12,000 करा। दो मिनट में वो एंट्री बनेगी। हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी। क्या मैं बना दूं एंट्रीज? चलो जी हम कर रहा हूं। हाँ जी हाँ, 2019 हो गई। क्यों 19 होगा? ट्विटर हमने ऊपर 19 लिखी। चलो जी मैं कराऊं उसको। कर लिया मैं कराऊं या चलो जी आए जी। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया होगा, एंट्री पास की होगी 28 नवंबर को, एंट्री पास की होगी रिसीवेबल डेबिट कितने से? सर मैंने $12,000 में इसको बेचा है, 12,000 इंटू कितना? और सेल्स क्रेडिट, किसी नशई ने इन्वेंटरी तो नहीं क्रेडिट कर दी? और जी फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से? अच्छा भाई सवाल में लिख भी लो कि जब भी इन्वेंटरी की कॉस्ट दी होगी पेपर में, हम हमेशा सेल्स की 2 एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है जी, बाज़ोकात वो इन्वेंटरी की कॉस्ट नहीं देता। ठीक है जी, बाज़ोकात वो इन्वेंटरी की कॉस्ट नहीं देता। चले जी बेहतरीन हो गया जी। सर अगली इसके साथ इन्वेंटरी क्रेडिट,
कितने से? आप बताओ, हमारी बुक्स में एक मॉनिटरी आइटम आ गया, क्या नाम है सर उसका? रिसीवेबल सर। अब बताएं सर, रिसीवेबल को 31 दिसंबर पे रीमेजर करें सर, कितने से? सर रिसीवेबल बड़ा 5 रुपए से, ऐसा नहीं सर, ऐसे नहीं है सर, हम करेंगे 215 × 12,000 माइनस 2520000, कितना? 6,500। और एक्सचेंज गेन खुश होना चाहिए, उदास होना चाहिए? खुश होना चाहिए सर, लग शुक्र है डॉलर बढ़ गए, रिसीवेबल और बढ़ गया, बस अब थोड़े टाइम में पैसे आएंगे और वो पैसे ज्यादा होंगे, ऐसा। अब बता, रिसीवेबल रिपोर्ट होगा बैलेंस शीट के ऊपर, किस अमाउंट को? सर 2520 प्लस 60,000, कितना? ऐसा। अच्छा फिर गार्डन हो गया, पता चल ये किसी को वीडियो उठी हो गया सर। बड़े कोई कमी ने बाबा जी देखो। अच्छा जी, आप बताए सर हमें कैश मिला कब? ये कौन सी वीडियो है, बंदा पूछ रहा है अभी। 221 एक तो हर दूसरे दिन कोई हराम खोर एक वीडियो में मुझे टैग कर देता है, इसमें वो बच्चा बता रहा है कि मेरा नाम अहमद रजा है। भाई मैं गुलिस्तान दौर में कभी नहीं रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी सर, मेरे पास रिसीवेबल जाएगा कितने से? सर मेरे पास 215 रुपए पे खड़ा हुआ था रिसीवेबल, कितना? 25। और बाकी क्या है सर मेरे पास? फर्दर एक्सचेंज गेन, ऐसा। कितने से? 172,000, ऐसा। मेरे बच्चों पक्का कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ सर, भेजे में बैठ गई कि हमने किस चीज को रिमेजर करना है, मॉनिटर है। मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हमें छेड़ना भी। वो वाइफ कह रही आई है अच्छा सर आप सुने, अब एक ही सवाल में इन्वेंटरी खरीदी भी गई है और इन्वेंटरी बेची भी गई है। आप सुनो, ये कह रहे जनाब बंबू लिमिटेड अक्वायर्ड इन्वेंटरी, ये बंबू एक रेस्टोरेंट है भाई, बैंबू ही है, ठीक है। ये कितनी क्लासेस का चैप्टर है? ये कम से कम 6 से 7 क्लासेस का है, क्योंकि मैं इसको अभी कंप्लीट कराऊंगा नॉर्मल तरीके से, फिर इसको लोन्स के साथ कराऊंगा, फिर इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ कराऊंगा, फिर इसको पीपी के साथ कराऊंगा, ठीक है ना। जितने स्टैंडर्ड हैं सबके साथ ही कराऊंगा, और आगे हम जितने स्टैंडर्ड्स पढ़ते रहेंगे सबको, जितनों के साथ पॉसिबिलिटी है सबके साथ कनेक्ट करके चलेंगे। क्यों? मैं इस आश्रय पे इसको शायद ना छोड़ूं कि एंड पे देख लेते हैं, ये नहीं करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि एंड पे टाइम मिलेगा नहीं और फिर ही गोली हो जाएगा। सर हमने इन्वेंट्री खरीदी है पहले जनवरी 2010 को 12,500 US डॉलर, पेमेंट वॉज मेड ऑन 24 अप्रैल, जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल में, ठीक है। द इन्वेंट्री वॉज सोल्ड ऑन 16 मई 2010। मेरा एक सवाल है, क्या ये इन्वेंट्री 24 अप्रैल से पहले बेची जा सकती थी? हाँ सर बेची जा सकती थी, क्या टेंशन है, पैसे नहीं दिए ना हमने, इन्वेंट्री तो पड़ी है ना हमारे पास, ऐसा है कि नहीं? हमने एक बंदे से इन्वेंट्री खरीदी, उसको पैसे नहीं दिए, थोड़ी देर टाइम बाद देंगे, इन्वेंट्री हमने बेच सकते हैं ना? हाँ बेच सकते। 16 मई पे हमने $20,000 की बेच दी। द अमाउंट वॉज कलेक्टेड ऑन 20th August। द कंपनी प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन एवरी क्वार्टर एंड। क्या मैंने आपको कहा था कि मॉनेटरी आइटम हर साल के एंड पर रिमेजर होता है?
क्या मॉनिटरी आइटम हर साल के एंड पर ही मेजर होते? नहीं, हमने क्या कहा, हर रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या, बहुत सारी कंपनीज हर क्वार्टर पे रिपोर्टिंग करती है, ठीक है जी। कौन सी कंपनी के लिए क्वार्टर पे रिपोर्टिंग करना लीगल ऑब्लिगेशन है? तमाम लिस्टेड एंटिटीज के लिए और तमाम सब्सिडरीज ऑफ लिस्टेड एंटिटीज के, ठीक है जी। तो एग्जाम में वो तुम्हें बताएगा कि भाई रिपोर्टिंग कब कब हो रही है, नहीं बताया तो रिपोर्टिंग एक ही दफा होती है, कब, साल के एंड पे। लेकिन अगर वो लिख के दे दे कि रिपोर्टिंग क्वार्टर एंड पे हो रही है, तो फिर आप इसको अवॉइड, आप बताएं जी कब कब, 31 मार्च जून सितंबर, सर नीचे एक्सचेंज रेट्स लिखते हैं, मतलब मुकम्मल जनरल रेट चाहिए, शाबाश, और साल के एंड का प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, शाबाश। ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है, ठीक है जी, फाइनेंस का पास पेपर्स का क्वेश्चन है 2011 के आसपास का। तो आप रेट भी देख रहे हैं कि डॉलर के कौन से आ रहे हैं, अच्छा इसको मैं करवाता जा रहा हूं, आप लोग चेक करते जाओ मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पहली जनवरी को मैंने इन्वेंटरी खरीदी कितने की, सर 12,500 डॉलर्स और 80 रुपए का डॉलर है इन्वेंटरी डेबिट, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना, 1 मिलियन। और मेरे पास सर पेबल क्रेडिट, अच्छा अब ये पेमेंट मैंने अगले क्वार्टर एंड से पहले नहीं करनी, क्वार्टर एंड आ जाएगा सर मेरे पास कब, 31 मार्च, ऐसा, जबकि इसकी पेमेंट हमने करनी कब है सर, इसकी पेमेंट हमने करनी है 24 अप्रैल को जाके। तो भैया इसका मतलब है इन दो डेट्स के बीच में एक रिपोर्टिंग डेट आ गई है। अब रिपोर्टिंग डेट पे हमने अपने पेबल को रीमेजर करना है, बढ़ाना है कम करना है, सर बढ़ाना है, कितने से, 2 रुपए से बढ़ाना है सर, हम क्या करें जनाब, एक्सचेंज लॉस कितना जी, सर 12,500 मल्टीप्लाई बाय 82 माइनस 1 मिलियन कितना, 25,000, और पेबल बढ़ गया। फिर जी इस पेबल को पे करने की बारी आई, उस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 रुपए रेट बढ़ गया, तो हम मन मन के जलील हुए, कितना जी 10। फिर मेरे बच्चों एक्सचेंज लॉस, अच्छा ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर रखना, कैश कितना, वेरी गुड मेरे बच्चों, सर 12,500 × 85 10, वेरी गुड प्यारे भाई, अब एक्सचेंज लॉस बैलेंसिंग फिगर कितना, 37,500 सर, क्या हो गया भाई है? सर अब इन्वेंटरी हमारे पास पड़ी है सर, क्या करें, इस इन्वेंटरी को बेचने की तैयारी करें, हमने इसको बेचा कब, 16 मई को 20,200 डॉलर में बेचा है 86 के रेट से, फिर जी 16 मई जो है वो उससे पहले कोई क्वार्टर एंड नहीं आया ना, आता भी तो कुछ होता नहीं, रिसीवेबल डेबिट 20,000 हट जा भाई, मल्टीप्लाई बाय 36 कितना, 37,200 और 1737 और आप बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरी गुड 1 मिलियन। बहुत सारे लोगों ने, चर्सियों ने, रविंचियों ने इसमें एक्सचेंज लॉस भी ऐड कर दिया होगा, नहीं भाई इन्वेंटरी कितने पे खड़ी है, वही बेची है ना हमने, तो इन्वेंटरी जितने से क्रेडिट, आप इन्वेंटरी पहले क्रेडिट कर देना, अब बताएं जी अब रिसीवेबल हमारे सर पे खड़ा हुआ सर, ये कब रिकवर हो रहा है, ये कब रिकवर हो रहा है सर, ये 20 अगस्त को रिकवर हो रहा है, 20 अगस्त, लेकिन 20 अगस्त से पहले 31 जून आ रहा है,
30 जून को हम क्या करें, रिसीवेबल को बढ़ाना है कम करना है? सर बढ़ाना है, 88 पे हम जा रहे हैं। रिसीवेबल कितना जी? सर मेरे पास 20,200 इंटू माइनस 17,37 40,000 और 40,400 पक्का। अब इसके बाद सर कैश डेबिट कितने से? सर 20,291 डॉलर, 91 रुपए पर डॉलर। कितना? हट जा भाई व्लादिमीर पुतिन, हट जा। 18। लेकिन यार क्या जबरदस्त स्पीच दी हमारे वजीर आजम ने, टूब लगा दिया। वन ट्रिपल सेवन फिर जी एक्सचेंज गेन पक्का। कहाँ डालना है एक्सचेंज गेन? ऐसे ही है दोस्त पक्का। एक स्टेप और आगे जाए सर जी। अच्छा सर पीएनएल बनाना है हमने। अब पीएनएल देखो पीएनएल कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा? सेल जाएगी सर। सर मेरे पास आएगी सेल्स कितने की? ये यूपी की सर 1737 और से देखना इसमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट है सर कितने की। तो सर हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? एक्सचेंज गेन आता है अदर इनकम में कितना? अब ये कैसे निकले सर? एक शॉर्ट तरीका भी है एक लंबा तरीका भी है, लेकिन लंबा तरीका ज्यादा अच्छा है सर। यहाँ एक्सचेंज लॉस आ रहा है, यहाँ भी एक्सचेंज लॉस है, दोनों को ऐड कर दें। अच्छा फिर इसमें से माइनस करें, एक्सचेंज गेन आ रहा है 40,400 का और फिर एक्सचेंज गेन आ रहा है 60,600 का। कितना? कितना 38 सही कह रहे लड़का? कितना आ रहा है 775। अब इसको एक काम करो टैली लिखो, आपने इन्वेंटरी अल्टीमेटली जो बेची उससे कैश कितना रिसीव हुआ है? आपका जो कैश रिसीव हुआ है, आपको कैश रिसीव हुआ 30,200 इंटू 90 बनना कितना 1,838,222। और आपने जो डे वन पे कैश पे किया था, कैश पेड आपने कितने 12,500 इंटू 80 कितना आ रहा है 10,625 क्या आ रहा है? टैली हो गया पक्का जी? बड़े हम आगे नहीं क्यों आऊं भाई, 5:30 ना आकाश की 5:30 को बहुत टाइम, 5:15 ही आकाश। चलो जी एक आपको छोटा सा सवाल और करा रहा हूँ। तुम लोग होमवर्क करते तो ये आज नौबत आता क्लास कर हैं? पर जैसे ही क्लास खत्म है उसको ले जाना है ठीक है, चाय वाय पिलाने। बस एक छोटा सा सवाल है बेटा जिसमें गिनती की 4 एंट्री। देखो इसमें ये बेहद आसान है, इसमें सिर्फ 2 ही एक्सचेंज रेट्स है ठीक है। सुनो सिर्फ 2 मिनट में खत्म। तो बेटा कोर्स भी खत्म कराना है, जब तक पूरा पढ़ाना है ठीक है जी। ध्यान दे दो, ये कह रहे जनाब ऑन 27 फेब 2008 MZA लिमिटेड सोल्ड गुड्स वर्थ 7 मिलियन फॉर PKR 8.5 मिलियन। 7 मिलियन की चीज कितनी बेच दी? टू अ कंपनी हुज करेंसी वाज KR, फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर है। 7 मिलियन की चीज आपने
पाकिस्तानी रुपयों में कितने में बेचिए? अपेरेंटली इसमें फॉरेन करेंसी का हिसाब किताब नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखो आगे क्या लिखा है। द प्रोसीड्स वर रिसीव्ड ऑन 25 मई इन केआर, इसका मतलब ये कि हमें जो 8.5 मिलियन रुपए का अमाउंट दिया हुआ है ना, ये पाकिस्तानी करेंसी में उसने सेल्स की वैल्यू कन्वर्ट करके ऑलरेडी आपको, ठीक है? ये पास पेपर का क्वेश्चन है, आप तो खोल के देख लो, ठीक है? 8.5 मिलियन रुपीस की अमाउंट उसने आपको दे दिया है, जबकि ये 8.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए नहीं है, कन्वर्टेड है। असल में हमने किस किस हिसाब से चीज बेची है, फॉरेन करेंसी में बेची है, इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है? 8.5 मिलियन। ये प्रोसीजर हमें मिली कब है? ट्रेड डेट कब है? ट्रेड डेट 27। सेटलमेंट डेट कब है? अच्छा, इन दो के बीच में कोई ईयर एंड नहीं आ रहा, कोई ईयर एंड नहीं आ रहा। लेकिन सर सवाल जब पेपर में आया था, लोगों ने पहली सेल्स की एंट्री पास की और रिसीवेबल को रीमेजर किया ही नहीं, छोड़ दिया, जबकि यहाँ क्लियरली कह रहा है वो कि जो पैसे आपको मिले वो किसमें थे। सर इसको इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? मुझे एक बात बताओ, मैंने पहली एंट्री 27 फरवरी को सेल्स की पास की होगी, कितने से रिसीवेबल डेबिट कितने से बता, लेकिन कितने के आर से? सर 27 फरवरी को रेट क्या है? सर पता नहीं कितने के आर्स थे, हमने 212.5 से उसको मल्टीप्लाई किया तो ये 8.5 मिलियन बना। कितना? इसका मतलब है सर 40,000 के आर्स में हमने चीज बेची, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 212.5, कितना होता है? 8.5 मिलियन। फिर सेल्स क्रेडिट कितने से? 8.5 मिलियन। फिर अगली एंट्री हमने पास की होगी किस चीज की? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने से? 7 मिलियन। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा फॉरेन करेंसी एक्सपोजर अभी भी है? क्या मतलब होता है फॉरेन करेंसी एक्सपोजर का? सर अभी भी मेरी बुक्स में एक मॉनेटरी आइटम मौजूद है, कौन सा? रिसीवेबल, और वो किसमें? फॉरेन करेंसी में। सर ऊपर से कन्वर्ट करके आपको अमाउंट बता दिया है, पैसे आपको अभी भी किसमें मिलने हैं? फॉरेन करेंसी में मिलने। लिख के कह रहा है वो हमें 25 मई को क्रोनर्स में पैसे रिसीव हुए, केआर में पैसे रिसीव हुए। अब बताए सर क्या करेंसी, क्या किसी करेंसी, क्या बहुत सारी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी थी यूरो से पहले, अब भी है, लोकल करेंसी चल रही है, क्रोनर्स कहलाते हैं जी। इन्वेंट्री फ्रांस की करेंसी क्या? हाँ ये बताओ सर, फ्रांस को तो हम लानत दे चुके, खाली हमारा वजीर आजम कोरियन रुपी है, कोरियन में रुपया चलता है, कोरियन रुपया। चले जी उसके बाद बताओ हमें क्या सर कैश मिला, हमें कैश कितना मिला मेरे बच्चों? 40,000 के आर इंटू 220 कितना होता है? 8.8 मिलियन। रिसीवेबल गया हमारे पास से कितना सर? बाकी हमें क्या हो गया यार? ये याद रखे ना, कल या अच्छा कल कोई क्लास हम नहीं लगा रहे, कल हम थ्रू आउट ऑफ कर रहे हैं। पहला एतवार मैंने मतलब हनीमून पीरियड चल रहा है आपका, उसका ताप से ज्यादा काम नहीं लेंगे हम, ठीक है? ये कह रहे क्या बात है, इसको बड़ी याद आ रही है हनीमून की है सर। ये देख लेना, एक सवाल है पास पेपर्स का, मैं अगली क्लास में आपको दूंगा करने के लिए, लेकिन ये उसका पार्ट है, ठीक है? 11 नंबर का सवाल है वो, ये उसका एक पार्ट है, इसके 3.5 नंबर, ठीक है? कर लोगे पक्का? थैंक यू वेरी मच। वीडियो बिल्कुल शेयर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कन्वर्ट कर देंगे वसीम, कोई टेंशन नहीं आपके पास, आप बस क्लासेस ले लेते रहे जी। लास्ट एंट्री दिखा दो, बुक कब आ रही है? बुक जो है वो अगले वीक में आ जाएगी, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि सॉफ्ट कॉपी में आपको परसों जो है वो मुकम्मल IS-21 का हैंडआउट दे दूंगा, जिसमें अराउंड को 40-42 के करीब कोर्स है। कौन सी डेट नहीं तो सेटल्ड है ना, उसमें तो चेंज हो गया है। हाँ